पैरामाउंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भैंसवाल बिलबिलान के प्लस टू के छात्र ने 500 में से 450 अंक और दसवीं की होनहार छात्रा शालू पुत्री नरेश कुमार 500 में से 470 अंक प्राप्त कर स्कूल के साथ परिवार का नाम रोशन किया। स्कूल प्राचार्य ने होनहार बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पैरामाउंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप किस क्लास में थे? 10th। आपका मैट्रिक में शानदार रिजल्ट आया जैसा कि हमें पता चला है, तो ये रिजल्ट आप किस प्रकार से ला पाए? क्या इसमें स्कूल का रोल रहा या आपने मेहनत इतनी की? स्कूल का भी रहा और मैंने मेहनत भी बहुत की। जी, किस प्रकार से? क्या आप कभी सोशल मीडिया या मोबाइल वगैरह यूज करते थे? नहीं करते थे। तो आपने किस प्रकार से मेहनत की जो ये 466 अंक आपने 500 में से प्राप्त किए? जो टीचर स्कूल में करवाते थे उन्हीं के अनुसार। किस तरह का मार्गदर्शन स्कूल में आपके अध्यापक आपको देते थे? बहुत अच्छा मार्गदर्शन। प्रेक्षित, आप पैरामाउंट स्कूल के छात्र हैं? हाँ, मैं पैरामाउंट स्कूल का छात्र हूँ। तो आपने जो ये प्लस टू में शानदार अंक प्राप्त करने के पीछे आपकी कितनी मेहनत रही और किस प्रकार का स्कूल का रोल रहा? इस प्रकार जैसे इसमें मैंने खुद भी मेहनत की और टीचर्स भी मेरी मेहनत करो, एक तरह से उन्होंने मेरा हर जगह पर मेरा साथ दिया। तो जैसे जैसे जो उन्होंने पढ़ाया वो मैंने ध्यान से सीखा, उन्होंने मुझे बताया जो पूछा मैंने, उन्होंने बार बार मुझे को बताया। इस तरीके से मैंने थोड़ा मेहनत की और प्लस टू पास की है मैंने। आपका भविष्य में क्या करने का इरादा है? भविष्य में तो मैं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता हूँ, इसमें BBA जो मैं करना जा रहा हूँ आगे, तो बस यही है। साथ में जो कोचिंग्स वगैरह हैं वो साथ में लेता रहूँगा मैं। आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का सपोर्ट आपको मिला? मेरे को टीचर्स की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी हर जगह सपोर्ट मिला। मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया, जो मैं करना चाहता हूँ उनके बारे में कहा कि जो तुझे करना है वो कर तू। एंड टीचर्स ने मेरे को यही बताया कि जो तेरे दिल में है, जो करना है, फ्यूचर की तरफ ध्यान दे, जो तेरे को अब पढ़ना है उस जगह पर पढ़ जा, तो आगे जाना चाहता है ताकि अपनी लाइफ बना सके, बेटर लाइफ जी सके। जिस प्रकार का मान सम्मान आपको मिल रहा है तो आगे आप और मेहनत करेंगे? हाँ, जरूर करूँगा, क्योंकि इससे मेरा नहीं, मेरे माँ बाप का, स्कूल का, टीचर्स का, सबका नाम रोशन होता है, तो इसलिए मैं जरूर आगे मेहनत करूंगा एंड अपनी लाइफ में सक्सेस होऊंगा। प्रिंसिपल साहब, ये जो आपके बच्चों ने मैट्रिक और प्लस टू में शानदार उपलब्धि प्राप्त की है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए मैं सारे स्टाफ को और सारे स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। इनकी अपनी मेहनत और लगन थी और हमारे सारे स्टाफ का सहयोग था इनके साथ। सो स्टाफ ने सारे साल मेहनत करवाई, इनके नोट्स भी तैयार करवाए और दिन रात मेहनत करवाई है। और आए महीने वे टेस्ट लेते थे, टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ ऑफिस में आते थे, हम इनकी कॉपी भी मतलब मंथली या मासिक उसमें चेक करते थे और फिर उनमें देखते थे क्या गलतियाँ हैं। और पेपर भी हम खुद चेक करते थे, जो टीचर्स ने चेक करे पेपर उनको भी हम चेक करते थे, कहीं बच्चे को गलती तो नहीं रह गई है, और उनको फिर सुधारा भी जाता था और बच्चे को फिर बताया भी जाता था अगर आप ऐसे करके और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। कुछ क्वेश्चन दिए जाते थे अगर इस क्वेश्चन को बेटे ऐसे लिख के दिखाओ तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस ढंग से हमने इनकी तैयारी करवाई थी जी, और वो रिजल्ट इन बच्चों ने इतना अच्छा दिया अगर शायद हम इतना सोच भी नहीं सकते थे, उससे भी ऊपर इन्होंने रिजल्ट दिया है। हमारी मैट्रिक में 15 मेरिट हैं और हमारे मैट्रिक में मतलब 35 स्टूडेंट थे उनमें से 15 मेरिट हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वे भी जी फर्स्ट डिविजन में पास हैं। तो इनके लिए मैं एक बार फिर सारे स्टाफ को, मैनेजमेंट को भी और सारे स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया।